हाय सर। हाय। बाहर भीड़ बहुत थी ना? जी सर, बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी सर। अच्छा। मैं सुबह को आया था और अभी शाम हो चुका है सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप सारी? सर हम पाली राजस्थान से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं। वाह वाह। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? नाम बता तेरा। जी पापा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देव ज्ञानी देव है सर। आप बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फैमिली बैकग्राउंड हमें सब बताइए, जानना है। सर अब मैं काम के बारे में क्या बताऊं सर, ये जो आप मटकी देख रहे हो मेरे लड़के के हाथ में, मैं मटकी बेचने का काम करता हूं सर। और सर मटकी 50 रुपए में बेचने की कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं बिकती है सर, सिर्फ 40 रुपए में बिकती है सर। मैं इतनी मटकी बेचता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, दूर दूर से मटकी लेके आता हूं, बेचता हूं, लेकिन सर पैसा नहीं छूटता है सर, कमाई नहीं रहती है। और सर घर के अंदर 2 बेटियां हैं सर, अब मैं क्या बताऊं सर, 2 बेटियां जवान हो चुकी है सर, और ये मेरे बेटा, ये भी आप देख रहे हो, ये भी जवान हो चुका है, इन तीनों की शादी करनी है सर। और सर मैं क्या बताऊं सर, हमारे समाज में ऐसा है कि सर जब बेटियां जवान हो जाती है ना, तो सर मोहल्ले वाले और समाज वाले ताना मारने लगते हैं सर, कि इतनी बड़ी बड़ी बेटियों को घर पे लेके बैठा है, कुछ शादी नहीं करता है, कहीं रिश्ता नहीं जोड़ता है। अब मैं क्या बताऊं सर, मेरा धंधा ही ऐसा है सर, मेरे पास पैसा नहीं है सर, बेटे की शादी कैसे करूं सर, कोई किसी की मदद नहीं करता है सर, मैं मेरे परिवार वालों से पैसे मांगता हूं, वो भी मुझे नहीं देते हैं, और मोहल्ले वालों से मांगता हूं, वो भी नहीं देते हैं। अब मेरे पास कौन सा रास्ता है? अगर मैं ब्याज पे पैसा लेके आऊंगा तो सर मेरा घर कैसे चलाऊंगा, कैसे ब्याज भरूंगा सर? अब मैं बेटियों को शादी करूं तो भी कैसे करूं सर, बहुत ही परेशान हूं सर। इसलिए सर मुझे एक भाई ने बोला था कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, एक बार इंडियन आइडल लेके जाओ, क्या पता तुम्हारा तकदीर चेंज हो सकता है। इसीलिए सर मैं आज इंडियन आइडल में आया हूँ, और मैंने देखा था सर मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरे को विश्वास है सर कि मेरा बेटा यहाँ से जीत के जाएगा। बेटा कुछ बोलना चाहता है? जी पापा, मैं भी कुछ बोल बेटा, बोलना चाहता हूँ सर। हम बहुत गरीब है सर, मेरे पापा मटकी बनाने का काम करते हैं, लेकिन सर मेरे पापा ने कभी भी सुकून की नींद नहीं ली है सर। मैं जब रात को उठकर देखता था तो सही मेरे पापा बोल रहा है मेरा बेटा, रोते थे सर, मेरे पापा इतने रोते थे, और मुझे पता है सर आज मेरी आंखें भर आई है क्यों रोते हैं। मेरे घर के अंदर 2 बेटियां है सर, वो जवान हो चुकी है, और सर मोहल्ले वाले समाज वाले ताना मारते हैं सर, और मेरे पापा कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे शादी करेंगे, जिसमें सर सोचते रहते हैं और रात को खूब रोते हैं, हमारे सामने नहीं रोते हैं सर। मैंने रात को उठकर देखा था, मेरे पापा बहुत रोते हैं सर, और तो सर मेरे पापा ने कभी भी हरी सब्जी से रोटी नहीं खाई है सर, हमेशा मेरे पापा प्याज और नमकीन भुजिया से रोटी खाते हैं, कभी भी इन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया है सर, अच्छा कपड़ा नहीं पहना है कभी भी, क्योंकि सर इनके ऊपर बहुत सारा बोझ है ना सर, जिसलिए सर सही बोल रहा है मेरा बेटा, जिसलिए सर मैंने सोचा कि मैं एक बार इंडियन आइडल
मेरे पापा को जरूर लेके चलूं, इसलिए सर मेरे पापा को इंडियन आइडल में लेके आया हूँ सर। मेरा सपना है सर, मैं भी वायरल होना चाहता हूँ, एक अच्छा गाना गाना चाहता हूँ, सुपरस्टार सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, दिन और रात मटकी बेचते हैं, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं बचता है सर। सही बोल रहा है मेरा बेटा। मैं भी मेरे पापा को देखता हूँ, मैं भी खूब रोता हूँ सर, समझ में ये नहीं आता है कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब हम खुशियाँ मनाएंगे, कभी नहीं सोचा है सर। आज मेरी आंखें भर आई है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे एक गाना गाने दीजिए सर। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। मैं इतना ही कहूंगी कि विनीत, मैं नॉट एज दोस्त बट राइट नाउ एज जज आपको बहुत बड़ा हाँ देती हूँ। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। Everybody saying विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। हमारा
अमेजिंग. नेक्स्ट कंटेस्टेंट आज. हाय सर. सर हाय. नमस्ते सर. नमस्ते. आपके नाम क्या सर? मेरा नाम ज्ञानी देव है. अरे वाह, कहाँ से हो आप सर? जी सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, छोटे से गांव से. आप क्या करते हैं सर? अब आपको काम के बारे में क्या बताऊं सर? सर सर, हम बहुत ही खराब काम करते हैं सर. सर हम अपने गांव में सर काम करते थे सर, लेकिन सर हमें कोई काम नहीं देता सर. सर क्योंकि हम नीच जाति से सर, इसलिए हमें कोई काम नहीं देता सर. इसलिए सर हम ईटा उठा उठा के सर गोनी में भर के सर दूसरे दरवाजे सर पहुंचाते हैं सर. बहुत मेहनत लगता है सर सब काम करने में, और सब पूरा दिन काम करने में सर मुझे 50 रुपये मिलता है सर. उससे हमारा घर नहीं चल पाता है, इसलिए सर हम रातों दिन सर वही काम करते हैं. हम सर सो भी नहीं पाते हैं, हम 1 घंटा मुश्किल से सो पाते हैं सर. और सर हम जितना कमा पाते हैं सर, उससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा ही हो जाता है सर. पर क्या करेंगे सर, ऊपर वाला जितना देता है उतने में खुश रहना पड़ता है सर. सर मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, पर क्या करूँ सर, घर की जिम्मेदारियों के कारण मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाता हूँ. तभी सर मैंने सोचा कि एक बार इंडियन आइडल में जाके कोशिश करता हूँ. तो मैंने पूरी दिनों रात सर काम किया, और घर पे किसी को भी नहीं बताया. हमें भी नहीं बताया सर इंडियन आइडल में आ गया ऑडिशन देने के लिए. आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है. आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती. मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े. देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है. आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है. अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? मैम आज मैं बहुत ही दर्द भरा प्यारा गीत सुनाने वाला हूँ. मैम आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये मैंने अपने हाथों से लिखा है, और ये कहानी में मैं आपको ये गाना बताऊंगा कि जब दो लड़का लड़की प्यार करते हैं, जब लड़की धोखा दे देती है तो लड़के के दिल में क्या ठेस पहुँचती है. मैं उसी के ऊपर आज बहुत ही प्यारा और दर्द भरा गीत में लिखा हूँ, वही सुनाऊंगा. चलिए जरूर सुनते. Come on brother, good luck. तोड़ कर मेरे घर को अपना घर बसा रहे हैं, तोड़ कर मेरे घर को अपना घर बसा रहे हैं, तोड़ कर मेरे ख्वाबों को अपने ख्वाब सजा रहे हैं. कैसे बेदर्दी से दिल लगा बैठे यारो हम, कैसे बेदर्दी से दिल लगा बैठे यारो हम, मेरी बर्बादी पर जो मुस्कुरा रहे हैं. Yeah.
नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ज्ञानी है सर, और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहता हूँ, मिडिल क्लास का लड़का हूँ। आप क्या करते हैं सर? वैसे तो मैं खेती करता हूँ, हमारा खेत है। आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? सर आज मैं अरिजीत सिंह का गाना गाने वाला हूँ, ऐ दिल है मुश्किल। ये गाने के पीछे मैं 1 साल तक मेहनत किया हूँ सर, और ये गाना गा के मैं सभी को रुला दूंगा। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। भाई इसी परफॉर्मेंस में विनर बना है, आई एम श्योर ये है विनर वाला परफॉर्मेंस। हाय 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 हाय, गूज बम्स। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है मुश्किल। तू मेरा खुदा, क्या कर रहा है ये? बनूं मैं तेरे बाप, क्या बात है। ओ ये हुई ना बात। ओ किल्ड इट, आग लगा दी पूरा स्टेज पे भाई। ये हुई पूरा विनर वाला परफॉर्मेंस, डिजर्विंग, परफेक्ट डिजर्विंग। ओके तेरे।